बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आमिर हयात। आज की वीडियो में मैं आपको डेली कार्स गारंटी के बारे में ही बात करूंगा। दोस्तों, बी फॉर यू कैब्स के डेली के गाड़ी के गारंटीज़ के बारे में मैं आप बात करूंगा। मतलब कि गाड़ियों की बात अगर मैं करूंगा तो गाड़ियों की बात में वही इकॉनमी प्लस, एग्जीक्यूटिव प्लस, चारों के डिग्रीज़ की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, बिना वेस्ट किए हुए मैं चलता हूँ अपने वीडियो की जानिब। तो वीडियो में सबसे पहले है कि गारंटी क्या है। गारंटी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर समझाऊंगा। एग्जांपल मतलब कि फॉर एग्जांपल, अब एक कंपनी आपको 800 रुपये गारंटी दे रही है और आपकी अर्निंग 300 हो गई उस दिन की। डेली की गारंटी है और डेली की वो आपको 800 दे रही है और आपकी अर्निंग जो है 300 बन रही है, तो वो कंपनी आपको 500 रुपये देगी क्योंकि गारंटी में आपने ऑलरेडी 300 रुपये अर्न कर लिए हैं। इसके अलावा आपकी टोटल अर्निंग जो है वो 800 रुपये बन जाती है। इस तरह दोस्तों, अगर आपने 800 में से 400 रुपये अर्निंग कर लिए तो बाकी बनते हैं आपके 400, तो कंपनी आपको 400 रुपये देंगी और टोटल अर्निंग आपकी वही 800 रुपये बनेगी। तो बोनस और गारंटी का जो फ़र्क है वो बहुत लोगों को पता नहीं है। तो बोनस का ये सीन होता है कि बोनस में अगर आपको 800 रुपये बोनस देने पड़ती है, अगर कोई कंपनी आपको 800 रुपये बोनस दे रही है, तो बोनस का ये सीन होगा कि आपकी जितनी अर्निंग हो जाएगी अर्निंग के साथ वो बोनस प्लस हो जाएगी, ना कि आपके गारंटी से वो काटा जाएगा या बोनस से वो काटा जाएगा, अर्निंग काटा जाएगा। अर्निंग इस सीन में जो है आपकी गारंटी से काटा जाएगा। एक बार और मैं आपको रिव्यू देता जाऊँ इसकी कि गारंटी अगर आपको 800 रुपये मिल रही है और अर्निंग आपकी 300 है, तो वो कंपनी आपको 500 रुपये देगी। मतलब जितना आप अर्न कर रहे हैं वो आप अपने गारंटी से कमा रहे हैं। अगर आपकी अर्निंग 800 रुपये हो गई तो कंपनी आपको कोई गारंटी नहीं देगी। तो गारंटी देने के लिए कुछ अहम बातें हैं जो कि आपके जहन में होने चाहिए। एक्सेप्टेंस और कंप्लीशन आपके 80% से अबाव होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि क्या है। एक्सेप्टेंस मीन्स क्या, एक राइड को अगर आपके पास एक राइड आती है और आप इसे एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो आपकी एक्सेप्टेंस ख़राब हो रही है। मतलब 10 में से आपने 8 राइड को लाजमी एक्सेप्ट करना है, मतलब कि 80% से अबाव रखना है इसको। इसके अलावा है दोस्तों कंप्लीशन, जिस राइड को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसे आप अपनी जगह तक पहुंचाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। इस 10 में से आप 8 को लाजमी पहुंचाएंगे, मतलब कि 80% से अबाव रखेंगे अपनी कंप्लीशन भी, तो आपको ये गारंटी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले है टायर 1। ये पहले मैं आपको बताता जाऊँ कि ये मैं इकोनॉमी, इकोनॉमी प्लस, एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव प्लस, चारों की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। राइड्स अगर आपके 4 हो गए और हावर्स, अवेलेबल हावर्स आपके जो है 4 हो गए, दोस्तों आपको गारंटी मिलेगी, आपको 800 रुपये गारंटी मिलेगी। गाड़ियों की कैटेगरी की बात करूँ, सारों में मिलेगी आपको। इसके अलावा दोस्तों है टायर 2। टायर 2 में अगर आपने 6 राइड कर लिए और 7 घंटे आप ऑनलाइन रहेंगे, तो आपको जो है कंपनी की तरफ से 1200 रुपये मिलेंगे गारंटी। और इसके अलावा दोस्तों, इसके साथ ये बात है, लाजमी है कि आपकी एक्सेप्टेंस और कंप्लीशन 80 से अबाव होनी चाहिए। टायर 3 में जो है वो राइड्स आपके 8 हो गए और अवेलेबल हावर्स आपके 10 हो गए, तो भी आपको 1700 रुपये गारंटी मिलेगी कंपनी की तरफ से। तो एक्सेप्टेंस और कंप्लीशन इसके साथ भी 80% से अबाव होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों का ये सवाल होता है, अगर मैं 10 घंटे ऑनलाइन रहा और मुझे 8 राइड नहीं आए तो क्या होगा। अगर आप 10 घंटे ऑनलाइन रहे और आपको 8 राइड नहीं आए, आपने 8 राइड कंप्लीट नहीं किए, तो आपको गारंटी नहीं मिलेगी। अगर आपने 7 राइड कर लिए तो आपको पीछे वाली यानी के 6 राइड्स वाली गारंटी मिलेगी। तो दोस्तों, इस तरह चलते हैं अपने फोर्थ टायर में ये है कि आपने 12 राइड कर लिए और 12 घंटे आप ऑनलाइन रहे, तो आपको जो है 3000 रुपये गारंटी मिलेगी। इसके साथ ये दोनों बातें यानी एक्सेप्टेंस और कंप्लीशन वो भी 80% से अबाव होनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो यही तक थी। जिन दोस्तों को गारंटी के बारे में नहीं पता था वो अभी पता चल गया है। इसके अलावा बहुत सारी ज़बरदस्त वीडियोज़ हमारे इसी चैनल पर आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी कोई मसला हो इस वीडियो रिलेटेड, तो काइंडली उस मसले को जो है आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछिएगा उस मसले के बारे में। अगर आप कोई वीडियो मुझे सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि मैं उस टॉपिक पर वीडियोस बना दूं, काइंडली अपने इनबॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर कोशिश करूँगा कि वीडियो बना दूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज़।